नमस्कार विकास। यस सर, मैंने आपका ईमेल पढ़ा और आपका ईमेल जो है बहुत ज्यादा इमोशनल है। ऐसे पढ़ने में तो विश्वास नहीं हुआ मेरे को कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, इतना बुरा किसी के साथ हो सकता है क्या। लेकिन जो भी हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अपनी गलती को मान रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आप पहले कैसे थे? यस सर, आप पहले कैसे थे और कैसे हो गए, और ऐसी कौन सी घटना आपके साथ घटी जिसके कारण आपका जीवन बुरी तरीके से बदल गया? सर, मैं करीबन 8-9 साल का था, 8-9 साल, 5-6 साल का था। तो मैं सर पूजा करता था, मंदिर जाता था, वो दिखने में भी अच्छा खासा था, मोटा सा ऐसा गोल मटोल। बट अचानक ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ कि पता नहीं सब कुछ बदल गया जिंदगी में। मतलब आप मैं अभी सोचता हूँ तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे साथ 10-15 साल में हुआ क्या। हाँ तो सर, बात तो मेरे घर की है कि मैं जब 8-9 साल का था, 8-10 साल का होगा, तब मेरे पापा की कोई मैगजीन होती है, सेक्स मैगजीन, आप समझ सकते हैं, सेक्स मैगजीन जो पहले बिकती थी, अब नहीं बिकती। तो मैंने देख ली, मैं ये क्या है कि ऐसे कुछ कौन खड़ा है, कोई कपड़ा नहीं पहना, बस वहीं से शुरू हो गए कि ये लोग कर क्या रहे हैं असल में, जो मुझे पता नहीं है। तो मैं स्कूल में जाता था, तो ऐसे मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल खराब होती ऐसे मैं नहीं बोलता, बट उसमें ऐसा होता है कि कई लोग जो होते हैं वो अनएजुकेटेड, जो आप उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं दूसरे के संगत में। तो वो जब लोग स्कूल में आते हैं तो वो जो आप कहते ना कि कोरोना वायरस जैसे फैलता है, वैसे वो लोग फैलते हैं। और फिर मैं भी उसके चपेट में आ गया। मैं सिर्फ देखता था कि ये सबको क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, अलग अलग सेक्स की ऐसे कुछ इशारे कर रहे हैं, कोई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। फिर थोड़ा डिटेल में कुछ होने लगा स्कूल में, फिर कोई 12 की उम्र होगी तब जब फ्री लेक्चर होता है स्कूल में, तब वही लड़के होते थे तो को पेंट खोल के पेनिस बाहर निकालते थे और हिलाते थे, मेरे को ये लोग कर क्या रहे हैं असल में। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा करूँ कुछ, तो किया मैंने घर पे एक बार, पर कुछ होता नहीं था असल में, क्योंकि उम्र इतनी छोटी होती है तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता आपको। एक बात आपके ईमेल में आपने मेंशन किया है, एक बात आपने मेंशन किया है कि आपने अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देख लिया था। हाँ, सबके पेरेंट्स ने तो किया ही होगा, पर आपको आप एज अ पेरेंट्स आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, उनको अब सिंसियर हो रहा है, तो आपके थोड़ा प्राइवेसी में होना चाहिए, समझ। तो वो थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अब ये सब कुछ प्राइवेसी में होना चाहिए, क्योंकि बड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। और मैं जब वो देखता था तो डर भी होता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं छोटा था तो डर होता था कि ये सब क्या हो रहा है। बट वहाँ से जो घर पे होता था, फिर स्कूल में, फिर वो मैगजीन, तो बस वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर मेरा टूर था स्कूल का, स्कूल का टूर था, तो कोई स्टूडेंट था, तो जो सीनियर स्टूडेंट था 7th स्टैंडर्ड में, तो वो लोग तो पहले थे वैसे ही थे, तो उसने एक वहां पे एक गरीब बच्चा भी आता था जो हमारे क्लास में ही था, तो उसको 200 रुपए दिए थे, भाई तू मेरे सोफे पे बस के पीछे आ जाना, हम लोग वो करेंगे। तो पूरे बस में सबको पता था, पर क्लास टीचर को कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। और वहां से शुरुआत होती है हमारी, मेरी, कि भाई ऐसा भी होता है कि किसी को पैसे दे तो ऐसा होगा। तो वहां से शुरू हुआ। फिर एक और टूर था हमारा 2 साल के बाद, तो वहां पे जो सोमनाथ दीव का जो टूर होता है, वहां पे फॉरेनर्स भी आते हैं, फॉरेनर गर्ल्स भी आती है, तो वो गर्ल्स ने शॉर्ट कपड़े पहने थे, और मैंने देखा कि मुझे बहुत, क्योंकि मैं सब 13-14 साल का हो गया था, तब थोड़ा थोड़ा जो हार्मोन्स है जो बाहर निकलने आते हैं, तो
13-14 साल का था, तो मैंने वो एक गर्ल्स थी जो ब्यूटीफुल थी और छोटे कपड़े पहने थे, तो उसको देखकर मेरा भी मन हुआ कि मैं कुछ करूँ इसके साथ। फिर मैं घर पे आया, फिर बाथरूम में मैं जाकर पहली बार मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो गलती की थी और मैं अभी भी पछताता हूँ। आपने इसमें लिखा है उसके बाद आपको लत लग जाती है। यस सर, आपको लत लग जाती है और आप किस तरीके से जीवन गुजारते हैं, क्योंकि लत लग जाती है उसके बाद आपका रिजल्ट खराब होता है, वो आपने लिखा है, वो बता दीजिए। यस यस, इमेजिनेशन करता था कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, वो सब एक अपना कितने के ख्यालों की दुनिया होती है बाथरूम में, तो वो मैंने चालू कर दी। मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं था कि भाई मैं देखूँ या फोन में देखूँ या मैगजीन में देखूँ, ऐसे मेरे पास कुछ टूल नहीं था। फिर मैंने अपने जो चालू कर दी ऐसे ही, फिर मैं मेरा वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं था, मैं अच्छा ही था, 2-3 साल से अच्छा ही था। फिर नाइन्थ में मैं आया, नाइन्थ में मेरे में 8-1 से 8 स्टैंडर्ड तक मेरे 90 अप पाते थे सर, और मेरा मैथ्स जो था वो स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल कह सकते ना आप इसे। तो नाइन्थ में मेरे अचानक इतने मार्क गिर गए, मैं देखा ऐसा कैसा हो गया। फिर मैंने समझा कि कोई बात नहीं, मैं ज्यादा खेलता हूँ या कुछ टाइम पास करता हूँ इसलिए होगा हुआ। फिर टेंथ का रिजल्ट आया, सब पूरे परिवार को मेरी एक आशा थी सर कि ये बच्चा तो खूब करता आया है, 90 प्लस आएगा ऐसा कुछ। तो टेंथ में सब रिजल्ट आया ना सर, मैं क्या बोलूं सर, एक आप कितने का करियर का वो टर्निंग पॉइंट होता है, वहां से आपका करियर चेंज हो रहा है। वहां पे मैंने गलती कर दी सर, 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ और उसमें मैथ्स में मुझे तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई सर कि मैंने क्या कर दिया। फिर कोई बात नहीं, मैंने फिर वो जो आता ना री एग्जाम आती है उसी साल आती है, उसमें मैंने फोकस किया और वो साल मेरा बिगड़ा नहीं, और मैं फिर 11वीं में आ गया, मैंने साइंस रखा क्योंकि मुझे अंदर एक भी एक चिंगारी थी, चिंगारी कि नहीं कुछ अभी भी हो सकता है, तो मैंने साइंस रखा उसी देख के नहीं मेरा भविष्य अभी भी है, कुछ तो है। मैं 12 साइंस में आया, वहां पे आपका एक कॉलेज डिसाइड होती है, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे, आपका फ्यूचर वहां से डिसाइड होता है। तो साइंस में फिर से मेरे पूरे फैमिली को, मेरे पूरे एरिया को मुझसे उम्मीद थी कि नहीं ये लड़का तो करेगा, उतनी मेरे पेरेंट्स मजदूरी करते सर, समझते ना मजदूरी, वो मेरे पे कितने आज सर के बैठे थे कि नहीं मेरा बेटा है, वो गांव में कहते थे पूरे यहाँ पे कि भाई मैं 90 पाऊंगा तो मैं पेड़े बेचूंगा मेरे बेटे के। तो वो सब अभी भी याद करता हूँ ना सर, रोना आ जाता है कभी कभी कि मैंने क्या कर दिया। आपने लिखा है, आप जब आपका ईमेल में पढ़ रहा था तो लिखते लिखते भी आप रो रहे थे, ऐसा आपने मेंशन किया है। हाँ सर, वो उस दिन मैंने कुछ अचीव किया था ना सर, इसलिए मेरे को थोड़ा रोना आ गया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैंने क्या किया था फिर बाद में। तो ये बताइए मुझे कि आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए और आपने कैसे वो दिन गुजारा है, साइड इफेक्ट्स के दिन कैसे थे आप? साइड इफेक्ट्स में तो मेरा 12वीं का रिजल्ट था फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मेरे को फेल हो गया मैं, और पूरा मैं किसी से फोन भी नहीं लेता कि भाई, मैं किसी से बात नहीं करता कि मैं फेल हो गया, क्योंकि ऐसा टॉपर लड़का जो फेल हो जाता है तो अंदर से भी कुछ होता है। और फिजिकल साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ सर, फिजिकल साइड इफेक्ट तो ऐसा होता था कि मैं बोल नहीं पाता था, वो जीभ हकलाती थी मेरी, बात करते करते कोई 2 लोग होते हैं तो मैं बात नहीं कर पाता था, पूरा क्लास होता था तो मेरे को आंसर आता है, मैं अंदर से बोलता हूँ मेरे को ये किसी को नहीं आता, मेरे को आता है, पर मैं बोल नहीं पाता था और अंदर से बहुत मेरे होता था कि सर ये सर मेरे को आंसर आता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। और वो ऐसा होता था मेरे साथ, बहुत बार होता था, मैं बोलना चाह रहा हूँ फैमिली में, मैं बात करना चाहता था कि भाई मैं फोन से मैं अपने दोस्तों से मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता था, इतना हकलाता था। मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जब मैं मास्टरबेशन करने के बाद 2-3 दिन में बहुत ज्यादा हकलाता था। और फिर अचानक मैं कॉलेज में आया, मेरे को ठीक ठाक कॉलेज मिल गई फिर, और मैं इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूँ। ओके,
मेरे पास अभी स्मार्टफोन भी आ गया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और पोर्न देखना ये तो एक आम सी बात हो गई थी मेरे लिए। और देखता था अच्छा से अच्छा फोन जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, ऐसा पोर्न में देखना चाहता था, तो उसमें घंटों लगा देता था सर, घंटों। फर्स्ट अच्छा पोर्न देखने में मैं घंटों बर्बाद करता था, पता नहीं चलता था टाइम का, होता है टाइम का कुछ। मेरे को लोग कहते भाई तू करता क्या है बाथरूम में ऐसा, सब दोस्त लोग कहते थे कि भाई तू तो अच्छा लड़का है, तू क्या बाथरूम में कर रहा है ऐसा। मैं को नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए। पर फिर एक बार मैंने नोटिस किया कि मेरा जो है फिजिकल जो पेनिस होता है वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, सीमन जो बाहर आ जाता था वो देखकर मैं क्या बताऊं सर, मैं डिप्रेशन में 2 महीने रहा, किसी से बात नहीं, कॉलेज में नहीं जाता था, रीडिंग भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं। और ये ऐसी बात है कि आप किसी को कह भी नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। हम बताऊं कि एक सुसाइड करने का भी मन होता है सर, तब किसी भी कोई ऐसी पोजीशन में होता है ना सर, तो ऐसे कहते कि क्या करे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सर, ऐसा मुझे फीलिंग होता है कि मैं अगर आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं। पर एक जिंदा मुर्दा, कैसा कहते ना, जिंदा मुर्दा ऐसा था मैं तब। फिर एक दिन YouTube पे मैंने Google पे सर्च किया कि ये बीमारी क्या है ये जो मेरे के साथ हो गई है, तो जितना सर्च करता था उतना ज्यादा डिप्रेशन, जितना सर्च उतना ज्यादा डिप्रेशन। मतलब कोई भी लड़का हो तो भाई ऐसा कुछ सर्च करे ना तो सर्च से भी डिप्रेशन ज्यादा होता है कि मेरे साथ ये हो गया ये हो गया ये हो गया। फिर मैंने YouTube पे सर्च किया, फिर आपका चैनल मिला सर। मैं कह के एक बार क्या बोल रहे हैं मुझे सुनने दो, मैंने इतना सब सुना एक बार इनका सुनने दो। तब पता चला कि ये जो सीमन होता है ना वो पावरफुल होता है, उसको जितना बचाएंगे ना उतना ही अच्छा है। तब से सर वो दिन मैं इतना डरा कि मैंने आज तक कोई भी गलत काम मैंने करने की सोची भी नहीं सर। रोज मैंने लगभग 3 महीने तक रोज आपके वीडियोस देखता था, क्या रोज हम डेली रात को सोता था तब, और सुबह जागता था तब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 5 बजे तक। और कहता है ना कि आपको एक नई किरण मिलती है, आपको वो आपको जीने का एक चांस मिलता है ना, कि आपको आपके एक वीडियो में आपने कहा था कि अभी भी आप बर्बाद नहीं हुए हो, आप जब से समझते हो तब से आपकी नई लाइफ शुरू होती है। तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसा करूंगा, आज से मैं इतना डरा उस दिन तो मैं कहता हूं अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, जब तक शादी होगी तो शादी तक तो मैं नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, आपने मेंशन किया है कि 1 साल से आपने मास्टरबेशन नहीं किया है। और कल जो तारीख थी ना, कल मैंने नोटिस की थी, मैंने अलार्म सेट किया था कि भाई इस दिन मेरा 1 साल पूरा होगा ऐसा, तब मैं सर से बात करूंगा कि मैं अब हकलाता नहीं हूँ। क्या बात, मैं अब कॉलेज में सबके साथ बातचीत कर सकता हूँ, मैं आंसर दे सकता हूँ मैं। और सर थर्ड ईयर में मेरा 2nd नंबर आया पूरी कॉलेज में। क्या बात है, सबको ताली मारिए, ताली मारिए और ताली मार के सब लोग कमेंट करना, बहुत बढ़िया। और सर अब मेरा जो चैलेंज है ना वो अब IIT का है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने 10th में गलती की थी, जो मैंने 12th में गलती की थी, उसकी भरपाई तो होनी ही चाहिए ऐसा। और आपको वीडियोस देखे थे, आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, वो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और एक होता ना कि आपका आप तो प्रेरणा ही तो देते हैं, आप प्रेरणा देते हैं, पर हमें भी कंट्रोल होना चाहिए ना। और देखो देखो आप का जो सिचुएशन, आपके साथ जो आपकी जो परिस्थिति थी ना काफी खराब थी, बहुत खराब परिस्थिति थी। आप पहले कितने संस्कारी थे, कितने अच्छे थे, फिर भी आपको घर में ही एक गलत मैगजीन मिल जाती है, फिर स्कूल में आप ऐसे बच्चों के बीच में रहते हैं, फिर बच्चों को ऐसे करते हुए देखते हैं, फिर आते हैं, फिर उलझ जाते हैं, किसी फॉरेनर को देखते हैं, फिर इतना सब कुछ करते हैं, फिर उसके अंदर घुस जाते हैं, खो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है मेरे साथ, आपका रिजल्ट खराब हो जाता है,
रिजल्ट खराब होने के साथ साथ जीवन बर्बाद हो जाता है, बातचीत करना छोड़ देते हैं आप, सेक्सुअल डिजीजेस आपको हो जाती है, आप घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तमाम सारे वीडियोज देखते हैं, फोन भी देखते हैं, कहीं से भी आपको शांति नहीं मिलती है, कहीं से भी सुख नहीं मिलता है, कहीं से भी कुछ इलाज नहीं होता है, समाधान ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलता है, ठोकरे खा खा के खा करके आप जब मंथन आपको देखते हैं तो अचानक आपको एक किरण मिलती है। yes, मंथन आपकी तरह और भी किरणें हो सकती है, मंथन अब जस्ट एक किरण है। yes, sir. आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। और आपने क्या किया कि आपने नॉलेज पहले गेन करी, आपने जाना कि सीमेन की इंपोर्टेंस कितना है, ब्रह्मचर्य की इंपोर्टेंस कितना है, फिर आपको पता चला कि इसका महत्व था और मैंने अपनी गलती से ही अपनी एनर्जी को खोई है, अब इसको मैं रिकवर करूं, और इसका समाधान क्या है, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल। यस, और बिल्कुल सर, आत्मविश्वास, यानी कि विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो जरूर मदद मिलती है। और आपने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखी तो आपके जीवन में बहुत आत्मविश्वास पैदा हुआ। यस सर, और सर हेलो सर, मैं आपको और बात करना चाहता हूँ जो मैंने अपने जो इंक्लूड की है इस एक साल में। एक और बात जो मैंने ऐड की है मेरे जीवन में कि मैं जब वहां से मेरा स्टार्ट हुआ तब मैंने अपने फूड में भी बहुत चेंज किया, खान पान में। ओके, खान पान में, क्योंकि हमारी फैमिली शाकाहारी है पहले से तो उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था, पर थोड़ा भी मैंने थोड़ा चेंज किया कि भाई किससे सीमन ज्यादा आता है, कुछ मैंने आयुर्वेदिक की भी कुछ मदद ली थी, उसमें सप्लीमेंट्स लिए थे जिससे मैंने ग्रोथ मेरा थोड़ा फास्ट हुआ। और ध्यान आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, योगा कीजिए, ध्यान और अनुलोम विलोम, उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। बहुत बढ़िया, स्टडी शोधन प्राणायाम ध्यान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप इसको जोर दे रहे हैं, सब लोगों को समझना चाहिए, लोग इसको इम्पोर्टेंस देते नहीं है, नोपेप करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़े दिन करेंगे फिर टूट जाएंगे, इसलिए आप जो सजेस्ट कर रहे हैं ध्यान साथ में आप अच्छे खान पान को भी सजेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि रात को आप कम खाइए, मेरे को ऐसा बहुत देखा है कि मैं जब रात को भूखा रहता हूँ ना तब मेरा सुबह बहुत अच्छा होता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, मैं जानता हूँ, मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है, जितना हल्का भोजन होता है रात के समय में उतनी अच्छी नींद भी आती है और सुबह भी जल्दी नींद खुल जाती है, और सुबह जब नींद खुल जाती है तो बहुत ही हल्का महसूस होता है और एक एनर्जी का अनुभव होता है और आप बहुत ही फुर्ती के साथ उठ सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सुबह भी बड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए रात का खाना हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए। एक बात सर, मैंने अपने ईमेल में एक लास्ट में कुछ चार पांच वाक्य लिखे थे कि सिर्फ गलती मेरी थी। आपने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। हाँ हाँ, लिखी है आपने। हाँ, तो वो गलती सिर्फ मेरी थी, आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ऐसा कहूँ, आपकी तो गलती बाद में, जब तक आपको रियलाइज नहीं हुआ तब तक ऐसा मानते हैं, कुछ हद तक आपकी गलती नहीं भी थी, क्योंकि देखो उसमें आपने लिखा है कि नंबर वन मेरे स्कूल के गंदे स्टूडेंट की, उनकी भी कुछ गलती थी क्योंकि उनके जीवन में संस्कार नहीं था, उनको टीचर ने कंट्रोल नहीं किया, तो उनकी भी गलती मानी जाएगी, उन्होंने आपको प्रभावित किया। आपने ये भी लिखा है कि मेरे पेरेंट्स की भी जो गंदी बुक्स घर पे रखी थी उसको मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव आपको पड़ा। और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीजें बच्चों के हाथ ना लगे ये ध्यान देना चाहिए, अगर मानो सेक्सुअल रिलेशनशिप पेरेंट्स करते भी हैं तो उन्हें बहुत सावधानी से बच्चों से दूर, या जो भी अपनी प्राइवेसी को इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि बच्चों को कुछ पता ना चले, जिस हिसाब से गृहस्थी जीवन है। आप ये भी लिख रहे हैं, पेरेंट्स की भी गलती मानी जाएगी इसमें। नंबर थ्री आपने लिखा है कि गवर्नमेंट टीचर की क्लास में क्या होता है उनको पता ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट टीचर की भी गलती मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो सावधान रहें और सही तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करें, ऑब्जर्व करें कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक से देखें, तो ऐसी गलती कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। बच्चों के मन में डर ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, इतनी गंदी हरकत जो स्कूल के अंदर करना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्लासरूम के अंदर पीछे और पता ना चले टीचर को, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है, इसका मतलब टीचर को कोई मतलब नहीं है, टीचर की भी गलती मानी जाएगी। और लास्ट में आपने लिखा है, या वो डॉक्टर जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन करना अच्छा होता है,
ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। मेरे को बहुत ऐसे ईमेल आते हैं, सब बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलता है कि भाई सब नॉर्मल होता है। और अल्टीमेटली आपने क्या कहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बस ये मेरी सोच है। दोष किसी को नहीं दे रहे, जो सीरियली आपके साथ हुआ, आपके सामने जो घटना घटी उसके हिसाब से आपने अपना विचार रखा है। तो सबको सोचना है, सबको सोचना है, भले ही आपकी गलती है इसमें, बाद में आप देखो इसमें प्लेजर मिलता है, प्लेजर की वजह से आपने किया, लेकिन जब बाद में आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिला, सीमेन के बारे में पता चला, रिसर्च किया, देखा, समझा, कॉन्टेम्पलेट किया, तो उसके बाद आपने गलती नहीं करी, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया ना। यस सर। और एक बात, हाँ एक बात सर, कि जब बच्चा होता है जो 5-6 साल का होता है, मेरे उन पेरेंट्स को भी यही बात करनी है कि वहां से उनका ग्रोथ चालू होता है, वहां से आप उसे जैसे जिस दिशा में ले जाना चाहते हो उस दिशा में ले जा सकते हो। बच्चा या तो घर पे रहता है या तो स्कूल पे रहता है उस टाइम, तो वहां से ही कोई गुंडा बनता है, कोई पुलिस बनता है या कोई टीचर बनता है, तो वहां से ही स्टार्ट होता है उनका। तो आप वहां पे ही ध्यान नहीं देंगे तो वहां से ही वो दिशा भटक जाएगा। तो मैं तो मेरा तो फोकस वही है, मैं भविष्य में कभी पेरेंट्स बनूं तो भाई क्या गलती हो रही है, मैं वैसा गलती कभी ना करूं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी, और मैं सबको कहना चाहता हूं, भारतवर्ष के सभी नवयुवकों को, माता पिताओं को, टीचरों को कहना चाहता हूं कि आपकी लापरवाही की वजह से आप सावधानी नहीं रखते हैं, आप सही समय पर बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, तो बच्चा कहां से कहां पहुंच जाता है। और अल्टीमेटली बच्चा तो सफर करता है, बच्चे के साथ साथ आपको भी सफर करना पड़ता है, पूरे समाज को भी सफर करना पड़ता है, और ये आग जो है ना बढ़ती जा रही है। कुछ भी हो, अगर मंथन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो बहुत मुश्किल था इस गड्ढे में से निकलना, इस दलदल में से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं तो ऊपर वाले को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इतनी हमें शक्ति दी है, इतनी बुद्धि दी है कि हम काम कर पा रहे हैं, आप लोगों को प्रेरणा दे पा रहे हैं, जानकारी दे पा रहे हैं, सही रास्ते जाने के लिए मोटिवेशन दे पा रहे हैं। और मैं सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रियल लाइफ स्टोरी है, कोई बनावटी बात नहीं है, आपने सुना कितना इमोशनल है। और ईमेल में तो और भी बहुत कुछ लिखा है आपने, और वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने मैंने रखा है। तो आप ही तय करें कि समय से पहले जागना कितना जरूरी है, और खुद भी जागना, औरों को भी जगाना, ये हम सबका कर्तव्य है। और इस वीडियो का शेयर जो है ना रुकना नहीं चाहिए, मिलियंस एंड मिलियंस तक पहुंचना चाहिए। आप संकल्प कर लीजिए, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, अगर गलती हो भी जाती है ना तो तुरंत समझ जाएगा, अब जिसकी गलती हो गई, बस आगे किसी की गलती ना हो। इसलिए हमको अभी से इस वीडियो को भी शेयर करना है, मंथन के वीडियोस को भी शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि यहाँ आकर के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। और आपकी कंडीशन भी ऐसी थी, देखो भाई ने, विकास भाई ने 1 साल तक ब्रह्मचर्य किया और आगे भी करेंगे, शादी तक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस कंडीशन से अगर विकास भाई बच सकते हैं तो आप भी बच सकते हैं। तो भूल जाइए कि कुछ नहीं होगा, सब होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। सब मुझे भी सर, मैं कहता चाहता हूँ कि मुझे भी जब 2 महीने में लग रहा था कि अब मैं, मेरी जिंदगी पीछे नहीं जाएगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सब खत्म हो गया ऐसा, पर नहीं भाई, आपकी सोच जहां से बदलेगी, 25 साल 24 साल कभी कोई भी साल हो, वहां से आप बदलना उस दिन से चालू हो जाएंगे। जब जागो तब सवेरा। यस सर। अब और मैं अब मैं हकलाता भी नहीं हूँ, जो मेरा मुझे बहुत ऐसा होता था कि मैं यार मैं किसी के सामने मैं अपनी बात पेश क्यों नहीं कर पाता, तो वो भी मेरा जो है अभी बहुत कम हो गया है, बहुत कम। 1 साल के ब्रह्मचर्य से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, और आप इतनी ऊंची सोच रखते हैं और इतना अच्छा विचार रखते हैं, और आज आपकी वजह से इतने लोगों को प्रेरणा मिल रही है। सोचो जो बच्चा जवान होते ही ब्रह्मचर्य करे, एटलीस्ट शादी तक, तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, वो कितना पावरफुल बनेगा, वो समाज को कुछ दे के जाएगा, कुछ यूनिक बनेगा और यूनिक दे के जाएगा। बाकी लोग तो बस पैदा होंगे, थोड़ा प्लेजर लेंगे, बच्चे पैदा कर देंगे या एंजॉय करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, खास खास के मर जाएंगे, कुछ
अपने लिए बेहतरीन जिंदगी जी नहीं पाएंगे और ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जैसे कि लोग उनको जाने, ठीक है। yes, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जैसे जो नौजवान हैं जो ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एटलीस्ट विवाह तक, तो विवाह के बाद भी उनके जीवन में, शादी के बाद भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, बहुत संयमता रहती है, उनका एक चरित्र बनता है, समाज में उनका एक परिचय बनता है, आपका भी बनेगा। एक और बात बोलो, बोलिए कि मेरा वहां पे कंट्रोल हो गया, फिर मेरा और भी कंट्रोल हो गया। मैं अब मेरा मोटा था वो बहुत, अपना खाने पे कंट्रोल नहीं होता था, अपना बाहर फरने पे कंट्रोल नहीं होता था, पैसे पे कंट्रोल नहीं होता था। अब सभी जगह पे मैंने कंट्रोल करना सीख लिया, एक जगह पे मैंने कंट्रोल करना सीख लिया, अब बाकी सभी जगह पे मैं सुबेरे अब जगना, मेरा नींद का भी कंट्रोल हो गया, मैं इतना ही खाऊंगा, मैं इतना ही सोऊंगा, मैं इतना ही सब कुछ करूंगा, मैं इतना ही एंजॉय करूंगा, सभी जगह पे आपका एक कंट्रोल हो जाता है वहां से। बिल्कुल, एक जगह कंट्रोल करो तो सब जगह कंट्रोल हो जाता है, वही सब कुछ है। वो ढीला है ना तो सब मामला, दिमाग भी ढीला है, पूरा शरीर ही ढीला है, जीवन ही ढीला हो जाएगा। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई आपका, आपकी कहानी बहुत जबरदस्त रही, बहुत इमोशनल भी है और बहुत मोटिवेशनल भी है। भाइयों, यस सर, मैं बोलता हूँ सभी भाइयों को आग लगा दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और आप भी बचो, आपके भाइयों को भी बचाओ, क्या पता आपके आपका कोई ब्रदर होगा, कोई कजिन ब्रदर होगा, कोई बहन होगी, कोई दोस्त का भाई होगा, कोई दोस्त का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, क्या पता किसको ये वीडियो मिल जाए, उनका जीवन बदल जाए, आपको आशीर्वाद मिले। सच्चाई से अपनी बात रखी और लोगों को और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर प्रेरित किया है, तो आपकी बात को सुन के बहुत लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, फिर से धन्यवाद। यस सर, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर।